हे hey गाइज नमस्कार वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद तो आपका हमारे इस ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद परिवार में स्वागत है आज हम आपको उत्तराखंड की एक समूह गौ अपडेट से अवगत कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम आपको बताते हैं हम अपने चैनल पर आपको समूह को यानी उत्तराखंड में जो भी भर्तियाँ होती हैं आपको अपडेट देते रहते हैं समय समय पर जो भी अखबारों के माध्यम से हो चाहे इंटरनेट वेबसाइटों के माध्यम से हो हम आपको अपडेट देते रहते हैं तो इसी सीरीज़ में साथियों हम आपको आज एक समूह गौ से संबंधित एक भर्ती अपडेट जो कि एक न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें अवगत करा है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे तो आपको बताएं अब समूह गौ पदों की भर्ती में फंसा आरक्षण रोस्टर का पेंच तो समूह गाँव की भर्तियों के संबंध में आए हैं साथियों की जो समूह गाँव की भर्तियाँ आने वाली हैं तो उसमें एक आरक्षण का रोस्टर का पेंच इसमें फंस गया है यानी जो भर्तियाँ आने वाली हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो में बने रहें साथियों नए हो तो हमारे चैनल को ऐसी अपडेट पाने के लिए समय से सब्सक्राइब करना बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं तो समूह गौ पदों की भर्ती में एक के बाद एक आरक्षण रोस्टर का पेंच फंस रहा है दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण रोस्टर का मामला हल होने के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यू चयन आयोग अनाथ बच्चों के पाँच प्रतिशत आरक्षण देने के पेंशन में उलझा हुआ है जिससे विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है तो साथियों हमारे चैनल पर बार बार यह प्रश्न आ रहा था कि साथियों समूह गौ की भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कब तक निकालेगा तो साथियों इस अखबार में आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि पहले तो क्या था दिव्यांगों पर यानी जो दिव्यांग भाई थे हमारे उत्तराखंड के और इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर भाई बंधु तो इस कैटेगरी में आते थे, थे उनको जब आरक्षण में इसमें छूट दी गई तब भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी तो इनका जब मामला सुलझ गया तो साथियों एक बार फिर पर रुक गया ये अनाथ बच्चों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने के पेंच में यह भर्तियाँ रुक गई हैं तो साथियों जैसे ही यह क्या होगा यह भर्ती के लिए जब जो ये पेंच है ये सुलझ जाएगा तो साथ ही ये भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी तो अब बात करें आगे बढ़े तो सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस परसेंट आरक्षण और दिव्यांगों को 5 प्रतिशत आरक्षण के अनुसार रोस्टर का मामला हल हो गया और बात करें साथ प्रति आरक्षण देने का उलझ गया आयोग ने आगु से रिक्त पदों के प्रस्ताव आरक्षण रोस्टर के अनुरूप हो रहे हैं लेकिन अब आयोग अनाथ बच्चों को पाँच प्रतिशत आरक्षण देने में उलझ गया है आयोग ने शासन से परामर्श मांगा है बृहस्पतिवार को आरक्षण रोस्टर से भर्ती प्रक्रिया में में आ रही दिक्कतों को सचिव कर्मी भोपाल सिंह मनरान ने आयोग के साथ बैठक की साथियों आयोग की ओर से अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों से दो से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्ताव मिले हैं इनमें कई प्रस्ताव के आरक्षण के रोस्टर लागू नहीं है विभागों को प्रस्ताव वापस भेजने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो उत्तराखंड सचिव हैं साथियों आयोग के उनका क्या कहना है आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी का कहना है कि अनाथ बच्चों के आरक्षण का शीघ्र ही शासन की ओर से परामर्श मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो साथियों हम आपको बता दें उत्तराखंड में समूह भर्ती अटकी हुई है या इसी कारण अटकी हुई है कि अनाथ बच्चों को क्या है पाँच परसेंट आरक्षण मिलना चाहिए उत्तराखंड में यह क्या है यहाँ के लोगों का कहना है जो भी अपने माता पिता से दूर माता पिता जिनके नहीं हैं और वो किसी अनाथ आश्रय में पड़े बले हैं और वो उत्तराखंड में भर्तियों के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो उनको पांच आरक्षण मिलना चाहिए यह क्या है यहाँ का उत्तराखंड में कहना है इसीलिए साथ यह भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है यदि यह मामला सुलझ जाता है तो कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं इसके बारे में बात करें साथियों आरक्षण रोस्टर से अटकी ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास वर्तमान में करीब दो हज़ार रिक्त पदों के प्रस्ताव हैं इसमें विभिन्न भी विभागों में सहायक लेखाकार व्यक्तिक सहायक का सहायक शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षा वन विभाग में सर्वेयर मानचित्र का सहायक कृषि अधिकारी ग्राम पंचायत विकास ग्राम विकास समेत अन्य पद रिक्त हैं साथियों तो यदि यह जो मामला है यह सुलझ जाता है तो आप मान के चलो इतनी भर्तियाँ आने की पूरी उम्मीद है साथियों तो वीडियो हमारे चैनल पे बने रहे आपको कोई भी अपडेट कोई भी माध्यम से आए तो हम आपको जरूर सूचित कर देंगे साथियों भरोसा लगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बेल आइकन जरूर दबा सकते हैं और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा साथियों यदि आपकी कोई कॉमेंट हो कोई सुझाव हो हमें कोई और कोई कारण आपका बताना है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूले साथियों और आपको बता दें इतनी भर्तियां अब अब आने वाली हैं तो साथियों कैसी लगी हमारी वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग नाइस D.